नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे और हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। TGT टीचर्स रिक्रूटमेंट 2020 की अपडेट इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। कुल वैकेंसी हैं 587, एज लिमिट है 18 से 45 साल। ऑनलाइन मोड में आपको इनके लिए अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और जो अपर एज लिमिट है 45 ईयर, इसमें कैटेगरी वाइज आपको छूट भी दी जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, बिल्कुल विस्तार से इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जॉब के लिए तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ये देखिए, ये रिक्रूटमेंट आ रही है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से। 2/3/2020 नोटिफिकेशन पे डेट डली हुई है और ये है ऑफिशियल वेबसाइट hp-ssb.hp.gov.in। यहीं पे आपको इनके लिए अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस 5 मार्च 2020 से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 3 अप्रैल 2020 रात्रि 11:59 तक जारी रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट एक बार फिर से देख लीजिए hp-ssb.hp.gov.in। जहां तक एज लिमिट की बात है, मिनिमम 18, मैक्सिमम 45 साल, 1/1/2020 को आपकी ये होनी चाहिए। बाकी यहां कैटेगरीज भी दे दी गई हैं जिन्हें अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी और ये सिर्फ जो हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं उनको ही मिलेगी। इसके बाद वैकेंसियों की डिटेल देख लेते हैं। वैकेंसियां हैं इस प्रकार से, एलिमेंट्री एजुकेशन टीजीटी मेडिकल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, पे स्केल है 10,300 से 34,800 प्लस 3600 का है जीपी, टोटल वैकेंसियां हैं 136। इसी तरह से टीजीटी नॉन मेडिकल की टोटल वैकेंसियां 144 और टीजीटी आर्ट्स की टोटल वैकेंसियां हैं 307। पे स्केल सभी का कॉमन है और एज लिमिट भी सभी के लिए 18 से 45 साल है। और इसके बाद इनके लिए जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ दे दी गई है। टीजीटी मेडिकल के लिए बीएससी मेडिकल विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड, या फिर बीएससी मेडिकल विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड। यहाँ आपके पास सीरियल नंबर 1 के लिए 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन है। इन पांचों में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए और उसी के साथ साथ आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी क्लियर होना चाहिए, कंडक्टेड बाय sp-ssb हमीरपुर और एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। या तो sp-ssb हमीरपुर की तरफ से कंडक्ट कराया गया हो या फिर एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की तरफ से कंडक्ट कराया गया हो, तो वो आपका क्लियर होना आवश्यक है। और जो आपका टेट है उसमें 5% की पासिंग मार्क्स में छूट दी जा रही है sc-st-obc और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको। इसके बाद टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए बीएससी नॉन मेडिकल विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड, या फिर ये नीचे 4 क्वालिफिकेशन और हैं इनमें से, और इन पांचों में से एक क्वालिफिकेशन और उसी के साथ साथ आपका टेट भी क्लियर होना चाहिए, जो कि कंडक्ट कराया गया हो या तो hp-ssb हमीरपुर के द्वारा या फिर एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के द्वारा। वही 5% की पासिंग मार्क्स में छूट है टेट के पासिंग मार्क्स में। और इसके बाद टीजीटी आर्ट्स के लिए बीए बीकॉम विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड, या फिर बीए बीकॉम विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर्स डिग्री, या फिर सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन BEIED, या फिर ये 2 क्वालिफिकेशन और हैं इनमें से कोई एक, और टेट आपका क्लियर होना चाहिए। और इसी के साथ साथ एक ये मेन कंडीशन है ये भी देख लीजिए, द कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इफ ही शी पास्ड मैट्रिकुलेशन एंड 10+2 फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश, प्रोवाइडेड दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई टू बोनिफाइड हिमाचलीज। अगर आपने 10वीं या 12वीं कक्षा हिमाचल प्रदेश के किसी स्कूल से पास की है तो ही आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। पर जो बोनिफाइड हिमाचलीज हैं, जो हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, अगर उन्होंने पूरे भारत में से कहीं से भी कर रखी है तो वो इनके लिए आवेदन कर सकते हैं, तो उन्हें छूट है इस चीज में। और जहां तक एग्जामिनेशन फीस की बात है, जर्नल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 360 रुपए एप्लीकेशन फीस है। जर्नल IRDP फिजिकली हैंडीकैप्ड, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी के लिए 120 रुपए एप्लीकेशन फीस है। SC ST OBC और जो अदर कुछ कैटेगरीज यहां दी गई हैं इनके लिए एप्लीकेशन फीस है 120 रुपए। इसी के साथ साथ फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन है हिमाचल प्रदेश के, ब्लाइंड और विजुअली इम्पार्ड है हिमाचल प्रदेश के, तो उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस इसमें नहीं है। और जो एप्लीकेशन फीस है आपको वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही जमा करानी है। तो ठीक है दोस्तों, मेन सभी इन्फॉर्मेशन इस रिक्रूटमेंट से
से जुड़ी हुई आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दी गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और इसी प्रकार के रिक्रूटमेंट से संबंधित अपडेट्स पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।